हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग ये देखेंगे, ये नर्सरी से प्लांट आया है, ये टोकरी है इसमें, तो ये टोकरी निकालनी बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक की टोकरी है, नहीं तो ये रूट बढ़ नहीं पाएगी। सबसे पहले तो इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसके लिए ये सारा निकालना पड़ेगा। ये देखिए इसकी रूट कहाँ से निकल रही है, ये देखिए। ये ऐसे में कैसे ग्रो कर सकता है, ग्रो कर ही नहीं पाएगा। अब इसको टोकरी को बहुत ध्यान से हम लोग को इससे काट के निकालनी है, नहीं तो रूट्स कट जाएंगी इसकी। और इसको रिपॉट करूंगी फिर मैं इसके बाद। ये इन लोग लगाते इसलिए हैं टोकरी में क्योंकि इनके लिए कन्वीनियंट रहता है बहुत। ये देखिए, ये रूट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए एकदम के। एक मेन रूट थोड़ी सी खराब हो गई है, मगर मैं इसको इसी टाइम ले आके अर्दन पॉट में लगा दूंगी। ये देखिए, इतनी लंबी लंबी रूट्स इसके थ्रू आई हुई हैं। ये देखिए, ये टोकरी थी और ये रूट सिस्टम है। ये वाली रूट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है मेन। अब इसको, ये भी कट गई है थोड़ी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी ठीक थी इसकी, मगर इसके ये टोकरी लगी हुई थी। तो चलिए देखते हैं, अब इसको रिपॉट करेंगे। इसको चेक किया कि पीली लीव्स क्यों हो रही हैं, तो देखा इसमें व्हाइट व्हाइट कलर का, देखिए ये मिलीबग्स लगे हुए हैं। ये देखिए, ये रहा मिलीबग लोअर साइड में इसके। तो इसको मैं इमिडाक्लोप्रिड से अभी स्प्रे कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये रहा, ये देखिए। जब इन्फेस्टेशन हो जाता है तब थोड़ा स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज करना पड़ता है। अगर प्रिकॉशनरी है तो प्रिकॉशनरी में आप नीम ऑयल कर सकते हैं। तो ये इसको बहुत नीचे की लोअर साइड ऑफ द लीव्स और पीली भी हो रही थी सारी। इसका रीजन यही था। ये देखिए, इसमें जाला भी पड़ा है। ये देखिए, इसमें स्पाइडर माइट्स भी हैं। ये देखिए स्पाइडर माइट, और ये स्पाइडर का वेब था, ये वाला जो गीला किया है मैंने। ये तो ये वाली लीफ तो मैं निकाल ही देती हूँ, ये काफी इन्फेस्टेड है। और बाकी को मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी। अगर इसकी इस टाइम केयर नहीं होगी तो ये एकदम खत्म हो जाएगा। इसकी लीव्स देखिए कैसे विल्ट कर रही थी। ये देखिए, ये निकलती जा रही है अपने आप। अब इसको रिपॉट करना है अर्दन वेयर में, तो इसके लिए मैंने ये इसको ढक दिया है और फिर इसमें नीचे थोड़े कोयले के पीसेस डाल दिए हैं ताकि थोड़ा ड्रेनेज अच्छा रहे। और उसके बाद ये पॉटिंग सॉइल डाल देती हूँ। पॉटिंग सॉइल में मैंने लिया है 1/4 सैंड, 1/4 गार्डन सॉइल, 1/4 कोकोपीट और 1/4 वर्मी कंपोस्ट। और साथ में नीम खली और बोन मील ली है, और फंगीसाइड थोड़ा सा साथ में ऐड किया है ताकि फंगल इन्फेक्शन का डर ना रहे। ये प्लांट में डबल प्रॉब्लम थी, एक तो मिलीबग की थी। अब मेरे को ये चेक करते रहना पड़ेगा कि मिलीबग दोबारा ना लगे इसमें, क्योंकि कुछ अगर इसके इन्फेस्टेशन थोड़ी रह जाती है तो दोबारा रीअपियर होता है, तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको अर्दन पॉट में, क्ले पॉट में कर दिया है ट्रांसफर।
रिपोर्ट किया है, अब ये अच्छा चलेगा क्योंकि अब इसका अब इसको अभी अभी मैंने पॉट किया है, तो इसके लिए मैं अभी इसमें थोड़ा वाटरिंग कर दूंगी। और दो तीन दिन इसको अब शेड में रखूंगी। आई होप आपको पॉइंसेटिया का रिपोर्टिंग और साथ में वो टोकरी निकालना जो कि रूट्स को एकदम क्लस्ट्रोफोबिक कर रहा था, ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।